कल भी यहाँ पे एक प्रोटेस्ट हुआ था इसी रोड को लेके, मूसानगर रोड को लेके, और वहाँ पे उनका शैलेश ने आके आश्वासन दिया था कि 4 दिन के अंदर यहाँ पे रोड का काम शुरू हो जाएगा। तो फिर आप कौन वजह से आप यहाँ पे आज प्रोटेस्ट करने के लिए जमा हुए, क्या वजह है इसकी? इसकी वजह मतलब हमारे वो क्या है, प्रोटेस्ट तो हर राज्य में इधर कंप्लीट कर रहे हैं, हर राज्य में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सब लोग ये कर रहे हैं, लेकिन 3 साल से ये लोग हमारे को 4 दिन में काम करेंगे, 6 दिन में काम करेंगे, 1 महीने में काम करेंगे बोल के ऐसे ही हम लोग को लेके इतना टाइम तक इधर आए। अभी इसके बाद हमारे को मतलब क्या, 3 रोड का काम चालू किए, मैं बजरा कॉलोनी में रहने का, इधर हम लोग इधर सभी तकलीफ उठा के तकलीफ झेल के इधर आए हुए कि ऐसा मतलब, क्योंकि 3 रोड का काम चालू है, जो बजरा कॉलोनी जो जाने का ये मूसानगर जो रोड है ये मेन रोड है, ये एक और मेदिन स्ट्रीट जो है वो भी हमारा मेन रोड है, 2 रोड पे भी काम चालू है और 3रा रोड ऊपर भी काम चालू है फिरदौस नगर का, और कोली फार्म का रोड उधर भी काम चालू है, 4 रोड काम चालू करने की वजह से हमारे उधर आने जाने के लिए तकलीफ होते है। एक हॉस्पिटल को जाने कितना के लोग को अस्थमा हुआ, कितना के लोग गिरे इधर, कितना के लोग पैर टूट गए इधर, गाड़ी फ्रैक्चर होते, गाड़ी में से भी प्रॉब्लम आते, पेट्रोल को खर्चा, आदमी को तकलीफ, और इधर दम्मा, और सुबह में उठ लगे सब लोग पानी मारना धूल के रास, ये हम लोग जेल चल के अभी तक किसी को हम लोग प्रॉब्लम दिए नहीं, इनको काम करने दो, प्रॉब्लम नहीं है काम करने दो, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं मालूम है, 3 रोड 4 रोड एक ही साथ चालू करके आदमी को तकलीफ दे रही, इनके पास उतना पास आदमी नहीं है तो इनको ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो एक साइड से काम करने दो, इनको एक रोड कंप्लीट करके हमारे को छोड़ के देने दो, फिर हम लोग दूसरी साइड पे जाएंगे, दूसरी साइड जाके काम करने दो, ये लोग ऐसा करते नहीं, बुढ़लाग रोड में काम चालू है, इधर 3-4 साइड पे काम चालू है, लोग इधर आने जाने के किधर से, बस इसके लिए आज लोग हम लोग इधर प्रोटेस्ट किए हैं, और आइंदा ये लोग अभी तहसीलदार आए थे इधर और ये भी कुछ जिम्मेदार आए थे इनके, ये लोग बताएंगे 28 तारीख को या 30 तारीख को हम लोग काम स्टार्ट करेंगे और जल्द से जल्द मुकम्मल करके देने की कोशिश करेंगे, अगर ये लोग बताए हुए टाइम पर अगर काम नहीं करेंगे तो आइंदा इंशाल्लाह हम लोग इधर धरना बैठेंगे और इधर ही बैठेंगे, जब तक काम नहीं होगा हम लोग इधर से हटेंगे नहीं बस। कल यहाँ पे एक प्रोटेस्ट हुआ था डॉक्टर नसीम खान की तरफ से, आपके शैलेश ने आके जो ऑपरेशन इंचार्ज है भटकल के, उन्होंने आश्वासन दिया था कि मूसानगर का रोड 4 दिन के अंदर यहाँ पे उनका काम शुरू हो जाएगा बोल के, अभी आज ये बदरिया कॉलोनी रेसिडेंट्स के जो लोग हैं यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए जमा हुए हैं, इसके बारे में आपको बुलाया गया है, आप डिटेल में समझाइए। मेरा नाम भूपसेन भोसले है, मैं यहाँ का साइट इंजीनियर हूँ, हमारे जो कल आपको जो शैलेश पटेल बोल रहे हैं वो हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर है, जैसा उन्होंने कहा है मेरा वर्क इन प्रोग्रेस है, मूसानगर में मेरा रोलिंग चल रहा है, लेवलिंग का काम चल रहा है, अभी फर्स्ट प्रायोरिटी उपलब्ध रोड को देने को बोली थी, वो हमारा काम वर्क इन प्रोग्रेस है, चल रहा है, वहाँ के काउंसिलर से बात हुई है, वहाँ काम चल रहा है, जैसे ही काम वो खत्म होगा यहाँ चालू होगा, मैं ऑलरेडी हम बोल चुके हैं जो वाटर बोर्ड थे वो भी इंस्ट्रक्शन थे गुडलक रोड करो, क्योंकि पहले वहाँ से वर्क स्टार्ट किया था तो उनका पहले बनाओ फिर इधर आओ, और थोड़े अप्रूवल्स आने में लेट हुआ है, बाकी उसके वजह से बाकी कोई इशू नहीं है, रोड बन जाए जैसे कहा 4-5 दिन में चालू हो जाए हो जाए, तो मतलब यहाँ पे 4-5 दिन के अंदर यहाँ पे काम चालू हो जाए, प्रोग्रेस है, चालू है, रोड लेवलिंग चल रहा है, सब चल रहा है, 1.2 किलोमीटर का रोड है ये, तो उसके हिसाब से लेवल वेवल करने में भी 4 दिन जाएंगे पूरा, उसके बाद तो वर्क कॉन्क्रीट डाल के दे देंगे, रोड बन जाएगा, बाकी ऐसा कोई इश्यू नहीं है, क्लियर कर देंगे। मतलब गुडलक रोड का जब वहाँ पे काम फिनिश हो जाता है तो उसके इसमें यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, ಮಾತಾಡ್ಬಿಡು ಮೂಸಾನಗರದ್ದು ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇಗ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ರೋಡ್ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅವರು ಸಹ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನೇ ಬೇಗ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು 15 ದಿನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ರೋಡ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಮನವಿ ಕೊಡೋದಿದ್ರೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಮೇಡಮ್ ಸಾಕು, ಈ ತರ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದು, ರೋಡ್ ಬಂದ್ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಇವನ್ 4 ದಿನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ
ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಆಗಿದ್ರೆ ಹೌದಪ್ಪ ನಾವು ಇನ್ನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮುಗಿಯಕ್ಕೆ ಜನವರಿ 2023 ಅವ್ರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟೇ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದ್ಯತೆ ಮೇಲೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಗಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಇದೆ, ಹತ್ತು ರಸ್ತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಜಾಲಿಯಿಂದ ಮೂಸನಗರಿಂದ. बोला गया था कि फर्स्ट प्रायोरिटी गुडलुक रोड को दे रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे मेरा वर्क आज कारगति में चालू है, तो उस हिसाब से वो खत्म करके इधर आएंगे, ऐसे सबको बोला गया है. बाकी सर अभी कितना कितना टाइम है सर? यहाँ पे मैं 28-30 के बीच में कंप्लीट कर रहा हूँ. ये कर रहे हैं सर? कर रहे हैं. चला बता चला सर. अरुण जी सर, कोई हक मारने का नहीं सर. मेरा मारी मत मम मुंह आ गया. हां ठीक है सर. मैं एक बात बोलूं सर? सर मैं सुनो, रोड लेवलिंग वर्क प्रोग्रेस में है सर, चालू है रोड. अभी कल से हुआ सर प्रोग्रेस. एक मिनट एक मिनट सर, मैं एक बात बोलूं सर. अलिंदा पर्वत के मैदान स्टेशन में रोड ब्लॉक है. देखो भाई, देखो रुको एक मिनट. वो इंजीनियर है, उनको पता है कैसे एफिशिएंसी जहाँ पर अलर्ट करना है, वो आपको पता नहीं चलता है. एक उनको भी प्रॉफिट होना है, वो ऐसे ही नहीं काम करेंगे ना, उनको भी प्रॉफिट होना है ना. तो जो एफिशिएंसी रहना पड़ेगा वो देखेंगे. ठीक है, ये जल्दी में करके.